पृथ्वी शॉ और सपना गिल की पूरी कंट्रोवर्सी तो आप लोगों ने सुनी ली है, लेकिन अगर आप भी ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सही और कौन गलत है, तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस का क्या कहना है। दोस्तों, अगर हम मुंबई पुलिस की माने तो उनके लिहाज से ये पूरा मसला सिर्फ एक सेल्फी को लेकर है, और जिसको सुनकर मुझे हंसी आती है कि भाई सेल्फी को लेकर इतना नाटक क्यों ही फैलाना था। लेकिन दोस्तों, बात कुछ इस तरीके से थी कि पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे, जहां पर सपना और उनके दोस्त भी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने एक बार पृथ्वी से सेल्फी की डिमांड की तो उन्होंने उनकी डिमांड पूरी भी की, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो सेल्फी के लिए आए अपने और दोस्तों के साथ तो पृथ्वी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं खाना खा रहा हूं और मेरे को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो पृथ्वी और उनके दोस्त ने जाकर इस चीज की कंप्लेन की यहां पर होटल मैनेजर को, और होटल मैनेजर ने सपना और उनके दोस्तों को बाहर निकाल दिया होटल से, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंसल्टेड फील करने लगे और उन्होंने बेसबॉल लेकर इंतजार किया पृथ्वी और उनके दोस्त के बाहर निकलने का, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वी शॉ के दोस्त की गाड़ी पर अटैक किया, उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए।